हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके परिवार में, आपके या रिश्तेदारी में, मित्र दोस्त या किसी भी आपके रिलेशन में किसी भी वृद्धा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन आती है तो हम उसका पैसा आप किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहिए और हमारे चैनल स्टडी 95 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें और नई से नई जानकारी आपके तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम खोल लेना है और गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें टाइप करना है वृद्धा पेंशन। दोस्तों, इसमें जैसे ही आप वृद्धा पेंशन टाइप करने के बाद इसमें सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए दोस्तों, पहली जो वेबसाइट है वो इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है वृद्धा पेंशन विकलांग पेंशन योजना। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की पेंशन चेक करना है तो आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है वृद्धा पेंशन। दोस्तों, आपको पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेंशन है समाज कल्याण विभाग का, वो आपके सामने पोर्टल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल में आ जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर आपको 3 डॉट मिलते होंगे, आपको यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है। अगर आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल फ़ोन में खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट मोड। दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों मैंने इस पर पहले से ही क्लिक कर रखा है, दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस इंटर आइकन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट बहुत अच्छी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में एक्सेस कर पाएगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता होगा 3 बिंदु का, दोस्तों इस तरह से साइट में, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर तीनों पेंशन के नाम आपको बारी बारी से मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको आपकी वृद्धा पेंशन, उसके बाद आपको निराश्रित महिला यानी जो भी विधवा पेंशन बोलते हैं उसे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर किसी भी पेंशन का पैसा चेक करना है तो आपको उस पेंशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर वृद्धा पेंशन का आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ तो मैं इस पर वृद्धा पेंशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही वृद्धा पेंशन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये वेबसाइट दूसरे तरीके से आपको खुलकर आ जाएगी। दोस्तों, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको पेंशनर 2021-2021। दोस्तों, आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देखिए वृद्धा पेंशन की जो भी सूची है वो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जनपद का। दोस्तों, आपको इसमें से अपनी जो भी जनपद है आपको अपनी जनपद यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यानी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका ज़िला है, आपको यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया है और ज़िला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है विकासखंड। तो दोस्तों, आपको अपना विकासखंड यहाँ से आपको चूज कर लेना है और विकासखंड चूज करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ग्राम पंचायत। तो दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में से आपको अपनी जो भी स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है और अपनी जो भी ग्राम पंचायत है, आपको यहाँ से अपनी जो भी ग्राम पंचायत है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ से अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट थोड़ी दोस्तों स्लो चल रही है, वेट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट खुल चुकी है और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर, तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है फर्स्ट क्वार्टर, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है सेकेंड क्वार्टर, उसके बाद आपको थर्ड क्वार्टर और यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है फोर्थ क्वार्टर। तो आपको सबसे लास्ट वाले क्वार्टर पर ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी वृद्धा पेंशन की जो लिस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पेंशनर का नाम, जो भी आपके पेंशनर का नाम, पेंशन खाताधारक हैं जिनकी पेंशन आ रही है उसका नाम, उसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों उनके पिता का नाम, उनकी आयु दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी, उनका जो वर्ग है OBC SC वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद उनका अगर मोबाइल नंबर फिल है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद आपको पेंशनर का पता यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों, पेंशनर के जो खाते में भुगतान जो राशि है वो आपको यहाँ पर 1500 रुपये मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक का नाम और यहाँ पर अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको मिल जाएंगे और ट्रांजेक्शन की जो स्थिति है वो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट रिलीज हो चुकी है तो इनके खाते में जो भी 1500 रुपये की जो पेमेंट है वो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इनके खाते में पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, आप भी इस लिस्ट में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है और यहाँ से अपनी जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपके पेंशनर का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है।
अगर दोस्तों इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी ज़रूर से ज़रूर सहायता करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी 95 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और दोस्तों आपको नई से नई जानकारी आप तक पहुँचती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक का, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।